हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि फ्रॉम अंडमान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो अभी मैं हमारे घर के पीछे हूँ, हमारे घर के पीछे यहाँ छोटा सा तालाब है। मैं पहले भी आप लोग इस वीडियो एक मतलब पहले का वीडियो में भी दिखाई। तो ये जो तालाब है ना, अभी भैया और पापा दोनों मिलकर इस तालाब का पानी फेंक रहे हैं। मतलब ये तालाब में अभी ज़्यादा पानी नहीं है, अभी धूप का मतलब बारिश एक बार हुआ था, उसके बाद तो ये तालाब अभी पूरा खींच कर फेंक देंगे। मतलब इसका जितना भी पानी है वो पूरा फेंक देंगे, उसके बाद इसमें जितना मछली है वो पकड़ेंगे और फिर से बारिश जब होगा तो नया पानी इसमें फिर मतलब भर जाएगा, नया पानी होगा। तो यहाँ पर शाम का वक्त है ये, मतलब सूरज अभी ढलने का टाइम हो चुका है, उस टाइम का धूप है ये। तो मुँह के ऊपर बहुत ज़्यादा ही धूप पड़ रहा था, इसीलिए अभी मैं घर की तरफ जाऊंगी। बिट्टू मेरी गोदी पर है, बहुत ज़्यादा धूप है देखिए। तो चलिए मैं अभी चलती हूँ वो साइड पर, बहुत लेट होगा यहाँ पानी ये पूरा फेंकने, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मछली पकड़ेंगे, जब एकदम थोड़ा थोड़ा पानी होता है ना, फिर वो कीचड़ से मछली पकड़ते हैं। खेती का मछली होता है सब, खेत का जो मछली होता है वही मछली पकड़ते हैं, कोई सिंगी मागूर ये सब होता है। तो मैं चाहती हूँ सामने की तरफ, बहुत ज़्यादा ही धूप है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वक्त है, तो देखिए ये मछली पकड़े। मतलब मछली यहाँ मतलब दो तीन तरह का होता है ना, जैसा सिंगी होता है, कोई होता है, ये कोई मछली है, फिर सिंगी मछली होता है, और मागूर होता है, तेलापुया होता है, बहुत तरह का नाम का मछली होता है। तो अभी मैं ये मछली काटूंगी, तो इसका पानी मैं मम्मी फेंक दी, पानी फेंक कर फिर दिखा रही है, देखिए एकदम सब जिंदा है। और अभी इसके ऊपर राख डालकर फिर मैं काटूंगी ये। तो मम्मी इसके ऊपर राख जो चूल्हा में पकाते हैं ना खाना, उसका जो लकड़ी का जो राख बनता है ना, वही राख से इसे काटना पड़ता है। इसके मतलब ये मछली के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ही लासा लासा टाइप रहता है, खेत का जो मछली होता है उसमें। तो अभी राख से इसे ऐसे मिला कर रख देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं ये मछली पूरा काटूंगी। और पूरा एक एक बाल्टी पानी में करके ये मछली मतलब जब रखते हैं ना, दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, मतलब जितना दिन रख सकते हैं, एक साथ तो सब नहीं खा सकते। तो ये मछली होता है क्या, जिंदा जिंदा मतलब ताज़ा ताज़ा मछली, मतलब इसे बाल्टी में करके रखने से ना ताज़ा ताज़ा जब चाहिए तभी काटो तभी बनाओ, ऐसा करके खा सकते हैं। बहुत दिन रख सकते हैं पानी में, पानी बदल बदल कर रखना पड़ता है। पकड़ने के बाद बाल्टी में जब इसे रखते हैं ना, तो एक दिन बाद बस पानी बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैं मछली को काट ली, और ये जो मछली है ना, इसका मेन जो सर के वहाँ पर दो साइड का जो मैं कांटा है वो काट दी, उसी में ज़्यादा धार होता है, हाथ तो पूरा कट जाता है। तो सबसे पहले उसी को काट कर उसके बाद मैं पूरा साफ़ कर ली मछली को, देखिए ऐसे करके बाकी का भी पूरा मैं काट लूँगी। और धोते वक्त भी बहुत ज़्यादा ही ये टाइम लगता है, क्योंकि राख से मिलाते हैं तो गर्म पानी वगैरह बहुत कुछ उससे धोना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो पहले मैं एक मछली देखिए आप लोगों को काट कर दिखा रही हूँ कैसे काट रही हूँ मैं। और मैं आज आप लोग को इसी मछली का ना रेसिपी भी दिखाऊंगी, तो आप लोग पूरा ये वीडियो एंड तक देखिएगा, हम लोग ये ज़िंदा मछली का रेसिपी मतलब कैसे बनाते हैं। तो ये ज़्यादातर डिलीवरी के बाद ना ये सब मछली ज़्यादातर हमारे अंदर खाने के लिए देते हैं। ये जितना भी ये खेत का मछली होता है ना, ये कोई, सिंगी, मागूर ये सब ना डिलीवरी होने के बाद ज़्यादा देते हैं, मतलब हरा मिर्ची से बनाकर। तो यहाँ पर इतना सारा मछली है, देखिए ये पूरा मैं गर्म पानी से साफ़ कर ली अच्छे तरीके से, एकदम लगड़ लगड़ कर घिस घिस कर साफ़ करना पड़ता है। और उसका अंडा भी था वो मछली में, तो वो मैं अलग से रख दी। तो अभी उसी का जो सब्ज़ी बना मतलब रेसिपी बनाऊंगी, उसी के लिए देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कच्चा जीरा और चार पाँच लहसुन का जो कली होता है वो ले ली, और इसी को भी मैं अच्छे तरीके से एकदम पीस लूँगी। ये कच्चा जीरा है, मैं भुनी नहीं एकदम। तो यहाँ पर कच्चा जीरा को मैं पेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी एक एक करके क्या और क्या क्या मैं ऐड करूँगी ये मछली का सब्ज़ी में। तो बस इसे ऐसे ही, और थोड़ा सा है ना इसीलिए सिलबट्टा में पीस रही हूँ, मिक्सी में तो इतना थोड़ा सा नहीं होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक चम्मच मैं वो ले ली थी, जीरा ले ली थी, तो जीरा और लहसुन को मैं पीस ली। यहाँ पर मम्मी एक सब्ज़ी बना रही हैं, कच्चा जो केला होता है तरकारी का, जो कच्चा केला होता है वो केला से, और ये जो मैं अभी मछली काटी ना उसी से मम्मी एक सब्ज़ी बनाएगी। और मैं यहाँ पर बनाऊँ, वो हो चुका था,
यहाँ पर, और कढ़ाई धोकर फिर अभी कढ़ाई चढ़ा दिए। देखिए मम्मी यहाँ पर बना दी एक सब्ज़ी, और मैं अभी जो रेसिपी बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अभी क्या क्या उसमें ऐड करूँगी क्या नहीं। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो रहा है, और यहाँ पर मैं जितना मछली से बनाऊँगी वो मैं अलग रख दी थी। तो यहाँ पर देखिए ये मछली यहाँ पर रखी हूँ, और यहाँ पर जीरा और वो जो पेस्ट बनाई थी वो भी मैं पास में रखती। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से धोना वगैरह तो साफ़ हो चुका था। तो कढ़ाई गर्म होते होते मैं बाकी का क्या क्या मसाला ऐड करूँगी वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से, और यहाँ पर तीखा भी उसी हिसाब से ऐड करूँगी। तो यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर मैं 1 चम्मच ऐड कर दी, और हल्दी भी मैं 1 चम्मच ही ऐड करूँगी। तो देखिए हमारे बतख लोग भी किस कैसे बुला रहे हैं, हमारे घर पर बतख भी है। तो यहाँ पर फिर मैं हल्दी भी ऐड कर दी 1 चम्मच, और यहाँ पर जो मैं पेस्ट बनाकर रखी थी ना लहसुन और जीरा को मिक्स करके, कच्चा जीरा को, वो पेस्ट भी मैं ऐड कर दी। और यहाँ पर मैं सरसों का कच्चा तेल ऐड कर दी। तो ये जो पूरा मसाला है ना, पूरा कच्चा मसाला ही इसमें मिलाना है। और ये मछली को देखिए मैं फ्राई नहीं करी। तो ये जो रेसिपी है ना, इसका नाम है भापा, मतलब माछ भापा। इसे ना भाप में ही बनाते हैं, मतलब पानी ऐड करके इसमें भाप, मतलब ढक ढक कर बनाना है। तो ये इसमें ना मछली फ्राई नहीं होता है, ऐसे कच्चा तेल सब कुछ कच्चा मसाला इसमें ऐड करके एक साथ में कढ़ाई में ऐड डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बोलते बोलते अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर ली मछली को, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल मैं इसीलिए ऐड करी क्योंकि जब ये बन जाएगा, जब हम लोग इसे मछली को बाद में निकालेंगे ना, तो मछली ना टूटे और कढ़ाई में बिल्कुल भी मसाला चिपके ना रहे, अच्छे तरीके से निकल जाए, इसीलिए कढ़ाई में थोड़ा सा मैं तेल ऐड कर दी। और वैसे तो मिलाते वक्त मैं तेल ऐड करी थी, पर दोनों टाइम ही मैं सरसों का तेल ही ऐड करी। और बर्तन में मसाला था, ऐसे मुझे पानी ऐड करना था, इसीलिए उसी बर्तन में मैं पानी डालकर उस बर्तन में अच्छे तरीके से जितना मसाला था उसे धोकर इसमें ऐड कर दी। क्यों मसाला वेस्ट करना ना इतना मुश्किल से पीसी में। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा चम्मच से भी हिलाकर मिला दी। तो अभी ये ना एकदम लो फ्लेम में करके मैं ढक कर बनाऊँगी, एकदम लो फ्लेम में ही पूरा जितना पानी है पूरा सूखेगा लो फ्लेम में, तो कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही ये बनने में। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट में ये हो जाएगा, 10 मिनट में पूरा लगता नहीं है। तो यहाँ पर पूरा पानी मैं देखिए सुखा दी, और ये रेसिपी एकदम तैयार है। तो एकदम सिंपल है ना, छोटा सा एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, एक बंगाली का, ये बंगाली रेसिपी है, पूरा ही एकदम बंगाली रेसिपी है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा थाली भी दोपहर का तैयार है, यहाँ पर सबका हो चुका है खाना, बस अभी मैं लंच करूँगी। तो मैं और मेरी बेटी हम लोग एक साथ ही लंच करते हैं, तो हम लोग दोनों का एक ही थाली में मैं सर्व कर दी। तो देखिए कैसा लग रहा है आज का मेरा ये रेसिपी और ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे इस रेसिपी को, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर वही केला का सब्ज़ी है, और यहाँ पर जो भाजी देख रहे हैं ये जो कद्दू है ना उसका बेला है। तो मिलूंगी अगले वीडियो पर, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।